नमस्कार, सभी का स्वागत है। आपको बता दें कि बेनीपुर विधायक प्रोफेसर विनय चौधरी के धरना के बाद बवाल मचा हुआ है दरभंगा जिला में। दरभंगा के DM राजीव रोशन और सभी पदाधिकारी ने बैठक किया है। मंगलवार को पानी की किल्लत को लेकर PhD विभाग के कार्यालय में JDU विधायक विनय चौधरी के द्वारा दिए धरना के असर आज देखने को मिला है। राज्य के अधिकारी के साथ जिला के पदाधिकारियों की बैठक DM राजीव रोशन की मौजूदगी में किया गया। जो अधिकारी कल तक काम से भाग रहे थे, आज पानी की किल्लत से जिला में कैसे निपटा जाए इसको लेकर प्लान बना रहे थे। वहीं विधायक ने कहा है कि नीतीश की सरकार है, इसमें अधिकारी को काम करना ही होगा। जिला के BDO सहित PhD के सभी अधिकारी मौजूद रहे, बैठक में मौजूद रहे। वहीं इस बैठक में नरा JDU के विधायक विनय चौधरी भी मौजूद रहे हैं। वहीं बता दें कि बैठक में निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द सभी खराब पड़े नल जल को ठीक करें, साथ ही PhD के साथ तहत जो पानी सप्लाई के साधन हैं उन्हें तुरंत ठीक करें और जो भी मोटर जुड़े हुए हैं जल्द ठीक कराया जाए। साथ ही जहां पानी की समस्या है वहां टैंकर से पानी पहुंचाया जाए, जहां पचापा कल खराब है उसे भी ठीक किया जाए। वहीं बेनीपुर विधानसभा से JDU विधायक सह प्रवक्ता विनय चौधरी ने कहा कि पानी की किल्लत को दूर किया जा रहा है, जल्द ही सभी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब इंटरव्यू सुनिए, बेनीपुर विधायक ने क्या कहा है अपने बारे में इंटरव्यू। लेकिन आपको बता दें कि सही तरीके से स्थानीय स्तर पर काम नहीं होता है, जो चापाकल ठीक करने के लिए जाते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं। उसके बाद आपको बलनी में चला गया, उसके बाद तीन जगह जहां पर जाते थे पोहदी में भी टंकी चला गया है। आज से हमारे यहां 6 टंकी चलेगा, टैंकर चलेंगे, तो कैसे ले सुधार। जो PhD का जो जल मीनार बना है उससे पानी की सप्लाई गाँव में होने लगी क्या? नहीं, अभी नहीं हुई है। कोई खराब है तो होगी ना, उसी के लिए समीक्षा की बैठक में, उसी के लिए पदाधिकारी आया है ना, सब समस्या का समाधान हो जाएगा, भरोसा। तो आप उम्मीद करें जनता जो जल्द से जल्द उन लोगों को पानी मिल जाएगा। एकदम, नीतीश सरकार है, देना ही होगा, नहीं देने वाले को बख्शेंगे नहीं। आप जो इस तरह धरना पर बैठ गए, जब विधायक का नहीं सुनता है पदाधिकारी तो आम जनता का कैसे सुनेगा? अच्छा एक बताइए, हमको धरना पर बैठना अनुचित था? नहीं, वो तो नहीं था, लेकिन एक विधायक जी बैठते हैं 5-5 घंटा, तो सुधर गया ना जी। 24 घंटा के अंदर में समीक्षा, राज्य स्तरीय पदाधिकारी आकर के यहाँ पर बैठक करके समीक्षा कर लिए और समस्या लेकर के विभाग इतना, प्रधान सचिव से लेकर के सभी आदमी इतने थे, सारी समस्याओं का समाधान, सारा आवंटन आ गया, सब कुछ हो गया। सर ये नल जल योजना PhD के साथ समीक्षात्मक बैठक थी। दरभंगा जिले में वर्षापात कम होने के कारण कई क्षेत्र में जल स्तर नीचे गया है, जिससे जो शैलो हैंड पम्प है उसके सूखने की बातें आई हैं और नल जल की स्कीम्स भी कई जगह पे फंक्शनल नहीं है। जो पंचायती राज डिपार्टमेंट से भी ट्रांसफर हुआ है उसमें भी कुछ तकनीकी खराबी है जिसके कारण पानी नहीं मिल पा रहा है। तो आज सभी माननीय सदस्यगण को भी हम लोग आमंत्रित किए थे, सभी ब्लॉक के बीडीओ लोग आए हैं, तो आज बहुत डिटेल में चर्चा हुई है और इसके लिए बात हुई है कि जो भी समस्या है उसका शीघ्र से शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। और जो PhD के वरीय अधिकारी हैं, चीफ इंजीनियर स्तर के अधिकारी राजेश मोचन में आए हुए, उन्होंने यहाँ के जल की समस्या को समझा है, तो मुझे लगता है कि इसी के लिए लोग समाधान। कल विधायक जी धरना पर बैठे थे, ये पानी के लिए क्या इसके लिए किस तरह के संज्ञान लिया गया सर के द्वारा? निश्चित रूप से जो समस्या है उसी समस्या की ओर ध्यान आकर्षण के लिए मान्य विधायक जी की ओर से बातें आई थी, तो आज सारे बिंदु पे डिटेल में चर्चा हुई है। मान्य विधायक का मणिपुर के राजेश बैठक में शामिल हुए थे, तो मुझे लगता है कि जो समस्या है इसको दूर करने के लिए PhD अपना काम करेंगे। सर सैकड़ों महिला सब वार्ड नंबर